अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों मैं फ्यू लास्ट वीडियोस काफ़ी मसरूफ थी और आपकी कुछ वीडियो स्किप हो गई हैं। आई नो आपकी ग्राम नेगेटिव रॉड्स रहते हैं, मैं इंशाल्लाह कराऊंगी, लेकिन अब जिन चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हैं वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर कर सकूँ। तो इसलिए सबसे पहले आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो रिकेट्सिया करने जा रहे हैं। रिकेट्सिया में क्या होता है कि सबसे पहले उसके आप में आपको पता क्या क्या होना चाहिए। रिकेट्सिया ऐसा जो आपने पूरा बैक्टीरिया के वो सब कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट आपको मेन मेन फीचर्स पता होने चाहिए और एक आपको फ़र्क पता होना चाहिए रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और क्यू फीवर में फ़र्क पता होना चाहिए कि किस किस वजह से होते हैं और इनका डिफरेंस आता होता है। वैसे रिकेट्सिया में से आज तक ऐसा कुछ नहीं आया, एम सी क्यू वगैरह बनते हैं, ये डिफरेंस जो है ना ये आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला डिफरेंस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही निकाल के लिखी है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। सबसे पहले हम रिकेट्सिया के मेन फीचर्स पे जा रहे हैं। एक तो ये कि आपका ये जो बैक्टीरिया है ना वो किस टाइप का है, ठीक है, वो आपने चीज़ देखनी है। सबसे पहले ये नॉन फ्री लिविंग है, ठीक है, ये नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया है विद सेल वॉल, ठीक है, और इसकी पुअर ग्राम स्टेनिंग होती है, ठीक है, ये उसके कुछ फीचर्स हो गए। देन ये कि कोएंजाइम ए और एनएडी नेसेसरी होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, इसलिए जो हम मीडियम भी वो यूज़ करते हैं ना उसकी ग्रोथ के लिए उसमें कोएंजाइम ए और एनएडी पॉजिटिव ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बात ये है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इसको कहते हैं, हालांकि ये पैरासाइट नहीं है, दिस इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या करते हैं कि इसलिए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का है क्योंकि पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर रिसाइड कर जाते हैं, जैसे आपका वो क्या कहते हैं मलेरिया वाला जो बैक्टीरिया था वो आपके आरबीसी वगैरह में जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, सेल के अंदर जाके लिवर सेल्स को ख़राब कर रहा था, उसी तरह ये क्या करता है ये आपकी बॉडी के बाहर कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा सेलुलरली ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अनएबल होता है। जब तक ये बॉडी के अंदर जाके सेल्स के अंदर नहीं ना चला जाता तब तक काम नहीं करेगा, ये अपनी मशीनरी एक्टिवेट नहीं करेगा, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन या अपनी फिर आगे क्या कहते हैं ग्रोथ वगैरह के लिए, वो सब कुछ के लिए ना ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट आपके ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। उसके अलावा ना ये इसकी शेप क्या होगी, वेरी शॉर्ट रॉड्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट रॉड्स होंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि ये ग्राम नेगेटिव रॉड लाइक सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है, सेल वॉल इसकी होती है किस टाइप की होती है, ग्राम नेगेटिव टाइप की। तो इसको हम किस कैटेगरी में बच्चों लेते हैं, इसको हम कैटेगरी में लेते हैं, आपको मैंने ग्राम नेगेटिव के बारे में क्लासिफिकेशन में बताया था। ग्राम नेगेटिव आपके पास बॉडी के अंदर वो वाले भी हैं एरोब्स वगैरह और जीआईटी से रिलेटेड भी थे, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो हमने इन्फ्लुएंजा पढ़ा है, उसके बाद ये वाला रिकेट्सिया आ जाता है, ये भी आपके रॉड्स में ही आते हैं, लेकिन ये कि ग्राम नेगेटिव टाइप की इनकी सेल वॉल होती है तो और ये नॉन फ्री लिविंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक डिफरेंस है हमारे पास रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और क्यू फीवर में। सबसे पहले हम इनको साइड बाय साइड डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहले रॉकी माउंटेन फीवर की बात करें तो ये आपके पास आर रिकेट्सिया की वजह से होता है, ठीक है, और क्यू फीवर जो होता है वो आपके पास कॉक्सियाला बुनेटी की वजह से होता है, ठीक है। एक पहला डिफरेंस तो इनके दोनों के बैक्टीरिया ही डिफरेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपका रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है ना वो कैसे ट्रांसमिट होता है, टिक से ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है और बाइट्स ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड जैसे है ना हशरात वगैरह इनके काटने की वजह से भी जो है ना वो फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है बॉडी के अंदर। लेकिन ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसको किसी जो है ना वो उसकी ज़रूरत नहीं है आर्थ्रोपोड की, इसको ये जैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, एरोसोल्स के ज़रिए और इनहेल्ड होता है इन द लंग्स, ठीक है। आल्स और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर इन एनिमल फीसेज होते हैं ना उनके अंदर भी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो आपके एनवायरनमेंट में आ सकते हैं, आप इनहेल करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। और अब बॉडी के अंदर अगर इनहेल करके जा रहा है तो ऑब्वियसली वो लंग को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, लंग से आगे सर्कुलेशन में जाएगा तो किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, लिवर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। लिवर को इफेक्ट किया तो क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर हेपेटाइटिस हो सकता है, लंग को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, निमोनिया हो सकता है। अगर क्यू फीवर का आपको सिनेरियो आता है ना तो हमेशा इस तरह बन के आता है कि एक बंदा है उसको हेपेटाइटिस और निमोनिया एक साथ है, ठीक है, ये आपको कॉम्बिनेशन ज़रूर बताया जाएगा सिनेरियो में, आपने इसको देख के आइडेंटिफाई करना कि दिस इज़ क्यू फीवर। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होती हैं, फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, कफ हो सकती है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ निमोनिया और हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका ये कि ये लाइफ थ्रेटनिंग एंडोकार्डाइटिस भी करा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बरक्स हम यहाँ पे अगर देखें तो
तो इसने सबसे पहले क्या चीज़ इफेक्ट करनी है, उधर लीवर और लंग इफेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपकी एंडोथीलियम ऑफ वेसल्स इफेक्ट हो रही है। आपकी बॉडी की जो वेसल्स है ना, वो जब अफेक्ट होंगी तो उसकी वजह से वैस्कुलाइटिस हो जाएगा, उनकी इन्फ्लेमेशन वेसल्स की, जिसकी वजह से जब वो वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी ना तो उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कैपिलरी परमेबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ वेसल्स हैं वहाँ वहाँ जब वैस्कुलाइटिस होगा, हर जगह उसकी सिम्टम्स आएंगी, और वेजोडाइलेशन की वजह से या वैस्कुलाइटिस की वजह से हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक, फिर कोमा, डिलीरियम, ये सारा कुछ हो सकता है, फीवर, पेटिकिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइल्जिया, प्रोस्ट्रेशन, DIC, एडिमा, सर्कुलेटरी कोलैप्स, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको याद करने हैं। और इसके अंदर ना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है रैश, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, पेटिकिया के बाद की हुई है, ये एक्चुअली रैश की बात हो रही है। रैश होता है ना फ़ौरन से नहीं आता, अगर ये बुखार हो जाए ना फ़ौरन से नहीं आता, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 14 दिन तक होता है। और सबसे पहले जब रैश शुरू होता है ना तो एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथों और पैरों पे शुरू होगा, और देन वो स्प्रेड करेगा सेंट्रली, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले ये कि लैब में ये कल्चर पे, सेल कल्चर पे ग्रो करता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिर्फ लाइव जिंदा बॉडी में जो है ना वो हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। और इसके अलावा इसको हम ग्रो कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग में हम इसको ग्रो करा सकते हैं। ये हैज़र्ड जो है कहते हैं कि ख़तरनाक प्रोसेस होता है, इसलिए लैब्स में परफॉर्म नहीं करते। टेस्ट करने तो एलिसा और व्हील फेलिक्स टेस्ट होता है, और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन होती है। जस्ट दीज आर इनफ पॉइंट्स कि आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे नाम से। उसके अलावा ये जो आपके पास कॉक्सिएला बुनेटी है, ये आपके पास सेल कल्चर में भी ग्रो कर सकता है और एम्ब्रियोनेटेड एग्स में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका टेस्ट एक ही है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस असे टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है, नेक्स्ट हम कोई और बैक्टीरिया करेंगे।